आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है और फिर उसके जो इंट्रोडक्शन uh, एजेंशन और उसके जो दो टाइप्स हैं एब्सोल्यूट वर्जन फिर उसके बाद जो है रिलेटिव वर्जनस डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे विथ नोट्स के साथ तो आप भी नोटबुक और पेन pen पेंसिल लेके बैठ जाइए और जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है लिखते जाइए सो दैट आपको खुद से समझ में आएगा ओन वर्ड में आप लिखिए ताकि आपको पूरा थेरी अच्छे से समझ में आ जाए कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी यूनिवर्सिटी के पेपर में रहेगा ठीक है चलो सो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है उसका हम लोग एक ब्रीफ एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे मान लीजिए ये आपके सामने जो है एक बास्केट है इसकी इंडिया में जो वैल्यू है ये टू हंड्रेड रुपीज़ का है ठीक है दिस इज़ कॉस्ट टू हंड्रेड रुपीज़ ये बास्केट अगर इंडिया में ख़रीदा जाएगा तो दो सौ रुपये का है और अगर हम लोग यूएस में इसको खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा ये फोर डॉलर का है कितने का है फोर डॉलर मतलब इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर डॉलर इज इक्वल टू टू हंड्रेड रुपीज़ या टू हंड्रेड रुपीज़ इज इक्वल टू फोर डॉलर क्यों क्योंकि ये बास्केट इंडिया में दो सौ का मिल रहा है और यूएस में कितने का मिल रहा है चार डॉलर का मिल रहा है सो दिस मीन्स ये दोनों क्या है सिमिलर है सेम है ठीक है ना अब इस चीज़ के दोनों कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड करना उसी को हम लोग उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है ठीक है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो बास्केट सेम बास्केट जो गुड्स एक्सचेंज हो रहा है ठीक है उनका एक्सचेंज रेट क्या होगा परचेसिंग पावर पैरिटी क्या एक्सप्लेन करता है कि जो गुड्स एक्सचेंज होगा जो बास्केट एक्सचेंज हो रहा है वो उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा दोनों कंट्री में सेम मतलब एक रेट डिसाइड करना तो वो रेट कैसे डिसाइड किया जाता है इसके बेस पर डिसाइड किया जाता है उसका एक सिंपल फॉर्मूला है जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है परचेसिंग पावर पैरिटी का तो मैं होम प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस जो है बास्केट का होम प्राइस में टू हंड्रेड है और ये स्टार बना दिया हूँ मतलब इसका फॉरेन मार्केट फोर डॉलर है तो इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आया चार पंजे बीस ज़ीरो पचास ठीक है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा एक्सचेंज रेट आर से डिनोट किया जाता है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा फिफ्टी रुपीज़ होगा मतलब इससे क्या हुआ फिफ्टी रुपीज़ इज इक्वल टू वन डॉलर वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज तो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या एक्सप्लेन करता है एक्सचेंज रेट क्या होगा दो कंट्रीज के बीच में जब कमोडिटी एक्सचेंज सेम बकेट जो बास्केट है वो अगर गुड्स एक्सचेंज किया जाएगा ठीक है और डिटेल में हम लोग समझते हैं ठीक है ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा अब जैसे मान लीजिए इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है ठीक है एग्जाम में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है परचेसिंग पावर पैरिटी दैट इज पी 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 इज एन इकोनॉमिक थेरी ये इकोनॉमिक थेरी है किसके कौन सा थेरी किससे रिलेटेड है एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है जिसमें एक्सचेंज रेट क्या किया जाता है डिटरमाइन किया जाता है अभी मैंने आपको एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करके बताया क्या फिफ्टी रुपीज कैसे डिटरमाइन किया जो होम प्राइस था टू हंड्रेड और जो यूएस का प्राइस था फोर डॉलर उसको दोनों को डिवाइड कर दिया ये आर एक्सचेंज रेट हमको पता चल गया ठीक है तो डिटरमाइन करना और ये क्या एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेन द प्राइस बिटवीन टू कंट्रीज शुड बी इक्वल दोनों कंट्री के बीच में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तो अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ है तो इसके अंदर इक्वल प्राइस क्या होगा यूएस में वन डॉलर होगा और इंडिया में क्या होगा फिफ्टी रुपीज तो फिफ्टी रुपीज विल बी दी इक्वल प्राइस ठीक है इफ़ दे मेजर्स इन अ कॉमन करेंसी अगर वो कॉमन करेंसी में मेजर करेंगे तो दोनों का क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया वन डॉलर इज इबल टू फिफ्टी राइट सो पी 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 थैरी दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विब्रियम एक्सचेंज रेट मतलब लॉन्ग रन के लिए जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है बेज ऑन दी रिलेटिव प्राइस ऑफ दी टू कंट्रीज़ सर रिलेटिव प्राइस क्या होता है दो कंट्री का जैसे मान लीजिए यू एस का फोर डॉलर था और इंडिया का टू हंड्रेड था तो हमने दोनों को कंपेयर किया राइट फिर एक्सचेंज रेट डिसाइड किया तो वो रिलेटिव प्राइस ऑफ दी टू कंट्रीज राइट इट इज़ औरिजिनेटेड इन दी स्कूल ऑफ सलामांका इन सिक्सटीन सेंचुरी और ये फर्स्ट टाइम जो है परचेसिंग पॉर पैरिटी जो है ये फर्स्ट टाइम जो है स्टार्ट किया गया था औरिजिनेटेड फर्स्ट टाइम था सिक्सटीन सेंचुरी में स्कूल ऑफ स्लम और ये कंसेप्ट को बाद में जो है डेवलप किया गया थैरी में जो गुस्तो कैसल ने 1918 में क्या किया इसको थैरी में डेवलप किया गया ठीक है तो ये इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपके लिए जो है थोड़ा रिक्वायर्ड रहेगा तो आप इंट्रोडक्शन में जरूर लिखिएगा ठीक है एक जनरल आइडिया मिल गया क्या मिल गया परचेसिंग पावर पैरिटी क्या थैरी एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है ठीक है एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड होगा तो एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए ठीक है वो डिसाइड करता है ठीक है और वो भी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम मतलब होता है इक्वल मतलब सेम ठीक है फॉर इंस्टेंट अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम क्वालिटी ठीक है एंड साइज इज प्रोड्यूस बोथ बाय द इंडियन बाई द इंडिया एंड चाइना दो कंट्री है इंडिया एंड चाइना ये सेम क्वालिटी का गुड्स क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं एज पर दिस थेरी मतलब ये थेरी एज पर द थेरी ये परचेसिंग प्रॉपर्टी थेरी इफ द मेजर इन कॉमन करेंसी अगर हम लोग इसको मेजर करें कॉमन करेंसी में द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन इंडिया विल बी इक्वल टू द चाइना मतलब जैसे अभी मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लो कि टू हंड्रेड का ये प्राइस है यू अपना इंडिया में और ये फोर डॉलर का यू एस में है अगर इसको हम लोग क्या करें कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इसमें क्या होगा इंडिया में फिफ्टी रुपीज़ हो जाएगा और यू में क्या हो जाएगा वन डॉलर हो जाएगा सिमिलरली इंडिया में फिफ्टी रुपीज़ हो जाएगा चाइना में वन डॉलर हो जाएगा ठीक है उस तरीके से बताए इसमें और इस थेरी को क्या है दो वर्जन है एक एप्सुलूट वर्जन है दूसरा क्या है रिलेटिव वर्जन है सो आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज परचेसिंग पावर पैरिटी जनरल आइडिया परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिकली एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है ठीक है डिटरमाइन करता है लॉन्ग रन इक्लिविरियम में बिटवीन दी टू कंट्रीज एक कॉमन वैल्यू करेंसी क्या करता है एक मेजरमेंट करता है कि, कि, कि कितना प्राइस होगा एक्सचेंज रेट क्या होगा ठीक है किसका एक बास्केट ठीक है बास्केट के अंदर फाइव टाइप्स के गुड्स हो सकते हैं टेन टाइप्स के भी गुड्स हो सकते हैं राइट तो ये थे का एजम्पन है ठीक है अब ये इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया अब इंट्रोडक्शन के बाद क्या करना पड़ेगा आपको एजम्शन लिखना पड़ेगा सो देर आर नो ट्रेड ट्रेड बैरियर्स अभी बैरियर्स मतलब क्या होता है सर रिस्ट्रिक्शंस होता है किस तरीके का रिस्ट्रिक्शन होता है कंट्री के बीच में एक टैक्स होता है दैट इज़ टैरिफ होता है ठीक है नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कोटा सिस्टम हो सकता हो सकता है ठीक है तो दोनों कंट्रीज के बीच में जैसे इंडिया यूएस के बीच में क्या होना चाहिए ट्रेड बैरियर्स नहीं होना चाहिए ठीक है फ्री टू ट्रेड होना चाहिए इजिली ट्रेड कर सके ठीक है सेम बास्केट ऑफ गुड्स टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स ये जो हमने कैलकुलेट किया था ना अभी आर इज इक्वल टू एक बारापस आपको सामने कैलकुलेट कर देता हूँ आर इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पी स्टार मतलब क्या हुआ ये हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं ना बेस ईयर करंट ईयर तो प्राइस इंडेक्स हम लोग क्या कर रहे हैं सेम बास्केट का कर रहे हैं क्यों क्योंकि इंडिया में टू हंड्रेड का है और यूएस में कितने का है फोर डॉलर का है तो इसको हम लोग डिवाइड के सॉल्व के एक्सचेंज रेट राइट तो वही बोला है कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स टू कैलकुलेट दी प्राइस इंडेक्स आइडेंटिकल गुड्स दैट मीन्स जो गुड्स है इसके अंदर ये तो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ इसमें ठीक है बास्केट का बट ऐसा आप अज्यूम करो मानो कि जो बास्केट है इसके अंदर जो गुड्स हैं उस गुड्स क्या होना चाहिए दोनों कंट्री के बीच में सेम होना चाहिए उसकी क्वालिटी भी सेम होना चाहिए ठीक है उसकी जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए दैट इज़ आइडेंटिकल गुड्स आइडेंटिकल मतलब सेम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जो है क्वान्टिटी इन टर्म्स ऑफ गुड्स जो भी पाँच टाइप के गुड्स दस टाइप के गुड्स दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए डिफरेंट नहीं होना चाहिए ये अजम्पशन है ठीक है अदरवाइज़ ये थैरी को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे मतलब ये थैरी को प्रूफ नहीं कर पाएंगे ठीक है ऑल द प्राइजेस शुड बी इंडेक्स टू द सेम ईयरस क्या होना चाहिए जो प्राइज़ होना चाहिए वो इंडेक्स होना चाहिए सेम ईयर जैसे मान लीजिए कि अगर मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का प्राइज इंडेक्स ले रहा हूँ इंडिया का ठीक है इंडिया का तो मुझे क्या करना पड़ेगा यूएस का भी क्या करना पड़ेगा यूएस का जो ईयर रहेगा कौन से ईयर का 2022 का ही लेना पड़ेगा अगर मैं यूएस का लेट्स एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो है यूएस का 2000 हज़ार लेट्स एग्ज़ाम्पल दो हज़ार में बीस का ले लेता हूँ तो यू का मैंने कौन सा ईयर लिया है टू थाउजेंड ट्वेंटी ले लिया है और इंडिया का टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो क्या कंपेरिजन कर पाऊँगा मैं नहीं तो so, यहाँ पे क्या बोला है कि जो इंडेक्स नंबर आप ले रहे हो वो सेम होना चाहिए इंडिया का अगर टू थाउजेंड ट्वेंटी है तो यूएस का भी टू थाउजेंड ट्वेंटी होना चाहिए ठीक है लॉ ऑफ वन प्राइस मतलब इसके अंदर जो गुड्स का प्राइस है वो क्या होना चाहिए सिंगल वन प्राइस होना चाहिए ठीक है बिटवीन द नेशन जो हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट किया ठीक है तो ये कुछ एजम्पन है ठीक है अब ये एजम्पन्स आपको लिख लेना है ठीक है तो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा एजम्पन लिखा Now, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे एप्सुलूट वर्जन सर एप्सुलूट वर्जन क्या है देखो अकॉर्डिंग टू द दुलूट वर्जन द परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइन एक्सचेंज रेट क्या डिटरमाइन क्या रहेगा एट पॉइंट वेर इंटरनल परचेसिंग पावर ऑफ टू करेंसीज बिकम इक्वल व्हाट इज एब्सोल्यूट वर्जन एब्सोल्यूट वर्जन परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या बोलता है कि हम एक्सचेंज रेट डू डिटरमाइन करेंगे वो ऐसे पॉइंट पे डिटरमाइन करेंगे जहाँ पे दोनों कंट्री का ठीक है इंडियन मतलब होम कंट्री का और फॉरेन कंट्री का जो करेंसीज जो होगा वो इक्वल हो जाएगा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा सर कि जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग कि लेट्स एग्जाम्पल कि आर इज इक्वल टू एक्सचेंज रेट ठीक है अब हम इसको डिटरमाइन करना है पी डिवाइडेड बाय पी स्टार मतलब पी होम कंट्री का प्राइस है और पी क्या है फॉरेन कंट्री का प्राइस है अब मान लीजिए हंड्रेड रुपीज क्या है कंट्री का प्राइस है होम कंट्री का और फॉरेन कंट्री का टू डॉलर है तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो पंजे दस टू फाइव टेन जीरो इज इक्वल टू तो फिफ्टी तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया फिफ्टी दोनों करेंसी के बीच में एक इक्वल प्राइस क्या करना डिटरमाइन करना एक इंटरनल परचेसिंग पावर ठीक है कि सेम बास्केट को खरीदने के लिए पचास रुपए इंडिया में देना पड़ रहा है और यूएस में कितना देना पड़ रहा है कि वन डॉलर क्यों क्योंकि टू डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड टू डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड दीन्स अगर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वन डॉलर इज इक्वल टू कितना होगा वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी ठीक है फिर आगे क्या बोलता है द आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स मतलब सेम बास्केट गुड्स टू डिफरेंट कंट्रीज मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस वैन एक्सप्रेस इन द सेम करेंसी जब सेम करेंसी में एक्सप्रेस किया जाएगा भले इंडिया में फिफ्टी रुपीज़ है यूएस में वन डॉलर है लेकिन करेंसी जो है अगर हम लोग सेम ही देखेंगे ना एक्सचेंज रेट राइट तो वो आइडेंटिकल गुड्स तभी हम लोग क्या करेंगे हम सेम करेंसी में जो है एक्सप्रेस करेंगे द एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ इंडेक्स बास्केट ऑफ कमोडिटीज इन दी होम मार्केट और बास्केट ऑफ द गुड्स कमोडिटीज इन दी फॉरेन मार्केट दोनों फॉरेन मार्केट में और होम मार्केट में दोनों में गुड्स का प्राइस क्या रहेगा इक्वल रहेगा जैसे इंडिया में फिफ्टी रुपीज है और बाहर देश का जो है वो वन डॉलर है या अगर पहले इंट्रोडक्शन वाला एग्जाम्पल लोगे तो उसमें जो है वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज राइट ओके नाउ अब ये जो थैरी इस अभी के वर्जन में अगर आपके बुक में लिखा रहेगा यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पी लिखा रहेगा और नीचे क्या रहेगा पी स्टार रहेगा ठीक है थेके? ये भी एग्जांपल आप लिख सकते हो ना होब्सुलट वर्जन को कैलकुलेट करने के लिए इंटरनल परचेसिंग पावर इन इंडिया इंटरनल परचेसिंग पावर इन यू इसी चीज़ को अगर हम लोग सिम्बॉलिकली लिखना है तो पी डिवाइडेड बाय पी स्टार ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आर आर दैट इज एक्सचेंज रेट यहाँ पे लिखा है राइट right? अब हम लोग क्या करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और इजीली समझे ना आर इज इक्वल टू क्या बोला मैंने पी डिवाइडेड बाय पी स्टार पी बोलेगा तो होम कंट्री का और पी स्टार बोलेगा तो फॉरेन कंट्री का ठीक है यहाँ पे एफ फॉरेन कंट्री है और ये होम कंट्री है ठीक है एच नाओ no, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहला सिनेरियो कि जैसे मान लीजिए कि जो बास्केट है उस बास्केट का प्राइस जो है वो हंड्रेड रुपीज़ है हंड्रेड रुपीज़ है और यू एस में कितना है टू डॉलरस है कितना है ये टू डॉलर है अब इस सिनेरियो में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा होम कंट्री का हंड्रेड है और यू एस का कितना है तो टू डॉलर है तो क्या हो जाएगा एक्सचेंज रेट फिफ्टी हो जाएगा ठीक है ये पहला सिनेरियो बनता है नाओ अगर हम लोग इसका दूसरा सीनेरियो देखो सेकेंड सीनेरियो मान लीजिए प्राइस जो है हंड्रेड से वन फिफ्टी हो गया वन इंक्रीज जब इंडियन वो सेम बास्केट का प्राइस मान लीजिए कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ गया ठीक है और प्राइस बढ़ गया महंगाई आ गई ठीक है तो वन सिक्सटी रुपीज़ हो गया लेट्स एग्जांपल वन सिक्सटी रुपीज़ हो गया लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही बास्केट का प्राइस बढ़ा क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन है लेकिन यूएस में इन्फ्लेशन नहीं है तो यूएस का जो प्राइस है वो क्या है सिमिलर दो डॉलर ही है ठीक है अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे P डिवाइडेड बाय P स्टार सर P बोलेगा तो होम कंट्री का कितना है 160 है सर यू का कितना है दो डॉलर है तो इसको सॉल्व करोगे दो अठे सोलह टू एटा सिक्सटीन और जीरो तो अब यहाँ पे क्या हो गया एक्सचेंज रेट वन डॉलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एटी रुपीज़ हो जाएगा वन डॉलर इज इक्वल टू एटी रुपीज़ अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो रुपीस जो इंडियन करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट हुई है मतलब रुपीस की जो वैल्यू है जो पावर है वो कम हो गई है तभी पहले हम उस कितना पे करते थे फिफ्टी रुपीस पे करते थे सेम लेवल ऑफ बास्केट जो बास्केट का गुड्स का पचास रुपये पे करते थे अब इंडिया में प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से वही सेम बास्केट का जो पचास रुपये पे करते थे अब कितना पे कर रहे हैं एटी रुपीज़ पे कर रहे हैं एक तीसरा सिनेरियो ले लेते हैं ठीक है ये एग्जाम्पल्स आप बुक में लिख भी सकते लाइक में जब पेपर लिखोगे ना तो आप लिखो कि यहाँ पे रुपीज़ की वैल्यू क्या हुई है डिप्रिशिएट हो गई क्योंकि इन जो होम मार्केट में वहाँ पे इन्फ्लेशन आया ठीक है अच्छा यूएस का क्या हुआ एप्रिशिएट हुआ है वहाँ पर डॉलर स्ट्रांग हुआ है राइट तीसरा इसमें देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस है इंडिया में ठीक है सेम बास्केट का ये सेम बास्केट का एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है पहले हंड्रेड था बाद में बढ़ गया अब हंड्रेड रुपीज़ ही प्राइस है लेकिन जो यू है वहाँ पर इन्फ्लेशन आया है तो इसके लिए उसकी वैल्यू जो है वो चार डॉलर हो गई अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आर इज़ इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाई पी डिवाइडेड बाय पी स्टार तो पी के वैल्यू कितनी है हंड्रेड ही है कोई चेंज नहीं हुआ इंडिया का बास्केट का जो प्राइस है लेकिन यूएस में सेम बास्केट का प्राइस कितना हो गया चार डॉलर का हो गया फोर फोर टूजा फोर टू झा एट दो रिमेनिंग हुआ और टेन आया तो चार पंजे बीस फोर और तो अब अब वैल्यू कितना हो गया? हो गया गया पे आपको क्या समझ में आ रहा है जो गुड्स हम लोग पचास रुपए का खरीदते थे अब हम लोग इतने का खरीद रहे हैं वो ट्वेंटी फाइव रुपीज का तो आपसे क्वेश्चन है कि यहां पे इंडियन रुपीज का डिप्रिशिएट हुआ है या अप्रिशिएट हुआ है ठीक है वो कमेंट करके बताओ मतलब इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो पावर जो है परचेसिंग पावर वो स्ट्रांग हुआ है बढ़ गया है या कम हो गया है कमेंट करके बताओ तो ये तीनों सिनेरियो आप एग्जांपल लिख के क्या कर सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है थेके? तो ये था एब्सलूट वर्जन आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउ अगर हम लोग क्या करते हैं क्रिटिसिज्म इसका डिस्कस करते हैं क्योंकि ये जो थेरी है बेस्ड ऑन एजम्पन है तो जहाँ पे एजम्पन है वहां पर क्रिटिसिज्म हो गई ठीक है क्योंकि जब थैरी बनाया जाता है ठीक है जब थैरी बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अज्यूम की जाती है जो रियल में प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं होता है तो वो क्रिटिसिज्म हो गई ठीक है पहला क्रिटिसिज्म क्या बोलता है परचेसिंग पावर ऑफ मनी कैन नॉट बी मेजर्स इन एप्सोलूट टर्म हम लोग जो ये मेज़र कर रहे थे कि इंडिया का इतना रुपीज़ है और यू का इतना डॉलर है ठीक है ये हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं लॉन्ग रन में नहीं करना पॉसिबल है सर क्यों क्योंकि इंटरनल मार्केट में प्राइस तो चेंज होते रहता है ठीक है फ्लैक्चुएट होता है तो वो एक रेट एक्सचेंज करके हम लोग बास्केट का प्राइस मेज़रमेंट करना वो नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अंदर क्या होगा वैल्यू फ्लैक्चुएट होगी ड्यूरिंग गिवन पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में है ना तो मेज़रमेंट करना पॉसिबल नहीं है तो ये पहला क्रिटिसिज्म है दूसरा डिफरेंट क्वालिटी ऑफ गुड्स ठीक है एंड डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी मेजर्स बिकॉज जो क्वालिटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है ठीक है जो बास्केट हम लोग ये लिए हैं बास्केट दिस बास्केट अगर इसके अंदर मान लीजिए पांच टाइप के गुड्स हैं तो क्या पांच टाइप के गुड्स दोनों कंट्री में सेम होंगे नहीं हो सकता क्वालिटी में डिफ़र हो राइट क्योंकि दोनों कंट्रीज मतलब वहाँ का क्वालिटी दोनों क्या हो सकता है डिफर हो सकता है राइट तो मेज़रमेंट करना सेम बास्केट को आइडेंटिकल बास्केट मतलब उसका क्वालिटी साइज़ कलर टेस्ट सब चीज़ें सेम हो ऐसा जरूरी नहीं, नहीं है ठीक है बास्केट का और सेम टाइप के गुड्स हो वो भी ज़रूरी नहीं है राइट तो डिफरेंट हो सकता है तो इसके लिए क्या है ये दूसरा क्रिटिसिज्म है तीसरा क्रिटिसिज्म इसने जो अच्छा ये दूसरा वाला जो आइडेंटिकल लिया था तो सेम नहीं हो पॉसिबल नहीं है तीसरा क्या बोलता है डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द बास्केट ऑफ गुड्स और कमोडिटी ड्यू टू डिफरेंट प्रेफरेंस एंड डिफरेंट लाइफ अब ये कंट्री ए है और कंट्री बी है लेट्स एग्जाम्पल इंडिया इज ए कंट्री ए एंड कंट्री बी इज अस ए दोनों कंट्री का जो लाइफ है वो डिफरेंट है ठीक है तो जो अपन बास्केट में इसमें बोला है पावर परचेसिंग पावर पैरिटी में कि जो बास्केट गुड्स है जो एक्सचेंज किया जा रहा है उस बास्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ है वो कौन से टाइप्स के कमोडिटी रहेंगे ये तो चीज़ें नहीं बताया गया है ठीक है तो वो क्या हो जाएगा डिफिकल्टीज लाइक ये क्रिटिसिजम हो गया फिर प्रॉब्लम असोसिएट विद द इंडेक्स नंबर अब यहाँ पे जितना सिंप्लीफाई करके इंडेक्स नंबर बताया है वो उतना इजी तो नहीं होता है क्योंकि जब हम लोग इंडेक्स नंबर मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के गुड्स के प्राइजेस लेते हैं बहुत सारे दस साल का पाँच साल का कैलकुलेट करते हैं लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दिया राइट तो इतना ईजी नहीं होता आसान नहीं होता कैलकुलेट करना ठीक है इंटरप्रेट करना सो so ये भी एक क्रिटिसिजम है नो डायरेक्ट प्रिसाइज लिंक बिटवीन दी परचेसिंग पावर ऑफ करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज एंड एक्सचेंज रेट यहाँ पे कोई ऐसा लिंक डायरेक्टली तो बताया नहीं है कि ये प्राइस पे क्या होगा एक्सचेंज रेट मतलब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतना प्राइस रहेगा वो तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे बताया वो क्या होता है चेंज होता रहता है ठीक है करेंसी के एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन आ गया या फिर होम मार्केट में भी प्राइस क्या होता है चेंज होते रहता है राइट या डिफरेंट स्टेट में जाओगे तो भी प्राइस चेंज होता रहेगा आइडेंटिकल गुड्स नहीं रहेगा उसके हिसाब से चेंज होता है हर मार्केट में ठीक है तो वो भी यहाँ पे उसका क्रिटिसिजम बन जाता है फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज निगलेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर देखोगे तो जो गुड्स अकाउंट जो है ठीक है उसके अंदर जो है सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिया है लेकिन करंट अकाउंट के अंदर जो सर्विसेज हैं ठीक है जो कैपिटल अकाउंट के जो आइटम्स है वो सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया सिर्फ एक ही लिया गया तो वो क्या हो गया कि हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर पाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डिफर इसके लिए क्या बन गया उसका क्रिटिसिज्म बन गया सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्रिटिसिज्म क्या है तो क्या करोगे फिर ठीक है तो ये शॉर्ट में लिखा है आप बुक के भी बुक से भी रेफर कर लीजिए बट यही सेंट्रल आइडिया है ठीक है ना अब हम लोग डिस्कस करते हैं वट इज़ रिलेटिव वर्जन ये दूसरा रिलेटिव वर्जन है तो जब आप रिलेटिव वर्जन क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सिटी के पेपर में तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो सेम रखिएगा ठीक है इंट्रोडक्शन एज यू कैन पुट सेम सेम रखो अगर एब्सोलूट का पूछा तो भी इंट्रोडक्शन सेम रखो और फिर बाद में क्या करो एब्सोलूट का एक्सप्लेन करो और फिर रिलेटिव का अगर रिलेटिव का पूछा तो रिलेटिव का एक्सप्लेन करो एब्सोलूट पूछा तो एब्सोलूट का एक्सप्लेन करो ठीक है ना रिलेटिव क्या होता है देखो रिलेटिव वर्जन में हम लोग जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं वो दोनों कंट्री के अंदर अगर चेंजेस होता है एक्सचेंज रेट ठीक है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसका वैल्यू एक्सचेंज रेट डिसाइड करना ठीक है जैसे मान लीजिए कि 2020 है ठीक है और फिर 2021 फिर 2022 अब 2020 में हंड्रेड रुपीज़ था ठीक है फिर उसके बाद जो है 2022 में ये हो गया 200 फिर ये हो गया 300 तो ऐसे सेम यूएस में दो डॉलर था फिर चार डॉलर फिर छः डॉलर तो जैसे जैसे क्या होता है चेंज होता है एक्सचेंज रेट ठीक है बिटवीन दी कंट्रीज़ के अंदर तो उस टाइम पे क्या वैल्यू एक्सचेंज रेट रखा है फिर क्या रहेगा एक्सचेंज रेट ठीक है वो रिलेटिव वर्जन में एक्सप्लेन किया ठीक है नाउ अब सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया अब हम लोग क्या करते हैं इसको लिखना कैसे एक्सप्लेन कैसे करना वो चीज़ बता देते हैं रिलेटिव वर्जन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी इज प्रोपाउंडेड बाय दी गुस्तो कैसल जिसने एक्सप्लेन किया है थैरी को क्या बोला है एज अ मीन्स ऑफ मेजरिंग इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल एक्सचेंज रेट के अंदर अगर चेंजेस होता है तो उसको मेजरमेंट करना ठीक है जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर चेंज हो रहा है ठीक है बेस ईयर अच्छा इसमें एक चीज और होता है बेस ईयर मतलब पास्ट का होता है ठीक है करंट ईयर मतलब प्रेजेंट का ठीक है रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपी दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी स्टेट दैट चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अ एक्सचेंज विल बी डिटरमाइन बाय द चेंज इन रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परचेसिंग पावर मतलब एक कंट्री में अगर चेंज हो रहा है तो दूसरे कंट्री में भी चेंज होगा तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन जो होता है वो रिलेटिव वर्जन में होता है ठीक है कैसे देखो यहाँ पे फॉर्मूला है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ओके द ये रिलेटिव वर्जन का जो प्राइमरी फोकस है वो किसके बेस में है पास्ट ईयर मतलब जैसे मैंने बताया कि 2020 है फिर 2021 है ठीक है अब चेंज हुआ है तो उसके बेस पे क्या करना मेजरमेंट करना मतलब द प्राइमरी फोकस कंपेरिजन बिटवीन द पास्ट दैट इज बेस ईयर इक्बेरियम एक्सचेंज रेट विद द करंट ईयर इक्बेरियम मतलब ये क्या हो जाएगा ये बेस ईयर हो जाएगा ठीक है दिस विल बिकम द बेस ईयर एंड दिस विल बिकम द करंट ईयर मतलब प्रेजेंट का करंट ईयर है और बेस ईयर का क्या हो जाएगा पास्ट का हो जाएगा ठीक है Now, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज बिटवीन टू एक्लोबिरियम एक्सचेंज रेट इज प्राइमरली ड्यू टू चेंज इन द इंटरनल परचेसिंग पावर ऑफ टू करेंसीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है वो बिटवीन टू कंट्रीज वो क्यों होता है बिकॉज दोनों कंट्री के अंदर जो परचेसिंग पावर एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है चेंज होता है अब यहाँ पे आपको परचेसिंग पावर चीज़ परचेसिंग पावर क्या होता है अगर वो डाउट है तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ लेट्स से एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है ठीक है मिस्टर ए का एग्जाम हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है ना इनका कितना इनकम है हंड्रेड रुपीज़ है अब ये हंड्रेड रुपीज़ स्पेंड करते हैं इनको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी मिलता है ठीक है दो प्रोडक्ट ये खरीद पाते हैं हंड्रेड रुपीज़ स्पेंड करके ना अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए इनका इनकम तो सेम है लेकिन प्राइस बढ़ गया तो क्या वो मिस्टर ए दोनों प्रोडक्ट खरीद पाएंगे नहीं या तो ए खरीदेंगे या तो क्या करेंगे बी खरीद पाएंगे मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से मिस्टर ए की जो परचेसिंग पावर है वो कम और ज़्यादा हो रही है अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो नहीं खरीद पाएंगे मतलब उनकी परचेसिंग पावर क्या हो गई कम हो गई ठीक है अगर प्राइस कम हो गया सस्ता हो गया तो क्या करेंगे वो ज़्यादा खरीद पाएंगे मतलब परचेसिंग पावर क्या हो गया उनकी बढ़ गई ठीक है तो परचेसिंग पावर की वजह से चेंज होने की वजह से जो रुपीस की वैल्यू है वो क्या होती है कम ज़्यादा होती है ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ तो रिलेटिव एक्सचेंज रेट अगर हमको मालूम करना है तो हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं तो उसके फॉर्मूला है ये जो है ओल्ड बुक में बहुत सारे बुक में फॉर्मूला दिया रहेगा और ये न्यू बुक में फॉर्मूला है ठीक है दोनों का मीनिंग सेम है सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ ठीक है अब ये वाला फॉर्मूले का मतलब क्या पहले समझो आर मतलब रिलेटिव एक्सचेंज रेट मतलब न्यू एक्सचेंज रेट ठीक है आर जीरो मतलब पास्ट का एक्सचेंज रेट मतलब ओल्ड एक्सचेंज रेट ठीक है पी एच वन दैट इज एक्सचेंज रेट ऑफ होम कंट्री लेकिन कौन सा करंट ईयर एक्सचेंज रेट होगा क्योंकि पी एच डी आई मतलब होम कंट्री का है मतलब होम कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेस्टिक बोलते हैं तो डोमेस्टिक का एक्सचेंज रेट है लेकिन कौन सा वन है तो जहां पे वन रहता मतलब वहां पे क्या है हम लोग करंट ईयर की बात करते हैं तो करंट ईयर एक्सचेंज रेट ऑफ होम कंट्री करंट ईयर एक्सचेंज रेट ऑफ होम कंट्री पी एच जीरो मतलब बेस ईयर और पास्ट और ओल्ड एक्सचेंज रेट ऑफ होम कंट्री डोमेस्टिक कंट्री का क्या है ओल्ड एक्सचेंज रेट है ठीक है तो ये पी एच जीरो हो गया पी एफ वन मतलब यहाँ पे वन आ गया मतलब करंट हो गया एफ बोलेगा तो फॉरिन तो यहां पे क्या होगा करंट रेट करंट एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरिन कंट्री और पी एफ जीरो मतलब क्या हो गया ओल्ड एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरिन कंट्री ठीक है इसका आप ऐसे जैसे यहाँ पे स्टैंड ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है ना ऐसे यहाँ पे लिखा है वैसे आप इसका भी लिख सकते हो अगर आप कोई भी एक ही फॉर्मूला यूज़ करो या तो आप ये यूज़ करो या तो ये यूज़ करो ठीक है आपकी बुक में अगर ये दिया है तो आप यही यूज़ करो ठीक है क्या ये आर वन मतलब क्या हो गया रिलेटिव न्यू एक्सचेंज रेट आर जीरो मतलब ओल्ड एक्सचेंज रेट पी एच वन मतलब करंट ईयर का होम एक्सचेंज रेट है और ये पी एच जीरो मतलब पास्ट ईयर का ओल्ड एक्सचेंज रेट है क्यों, कौन से कंट्री का होम कंट्री का मतलब डोमेस्टिक कंट्री का पी एफ वन मतलब क्या हो गया एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरिन कंट्री वो भी करंट एक्सचेंज रेट पी एफ जीरो मतलब क्या हो गया ओल्ड एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरिन कंट्रीज ठीक है अब इस फॉर्मूले को अगर मैं सिंपलीफाई करता हूँ क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में मैथ लिया था तो मुझे पता है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये वाले फॉर्म में आ जाएगा सर कैसे देखो आर वन को सेम टू सेम मैं ऐसे लिखूंगा ठीक है यहाँ पे मैं कॉमा डाल देता हूँ आर वन को सेम सिमिलर ऐसे लिखा इज इक्वल टू डाला आर जीरो को सेम टू सेम रखा ठीक है अब ये ब्रेकेट को अगर मैं ओपन करता हूँ मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सर मल्टीप्लाई हो गया इसमें ठीक है तो आर जीरो मल्टीफिकेशन अब जो मल्टीप्लाई किया ब्रेकेट ओपन किया तो यहाँ पे क्या है पी एच वन है डिवाइडेड बाय पी एच जीरो इसमें डिवाइड का है देखो यहाँ पे क्या है डिवाइड का है तो इसमें अगर अपन मल्टीप्लाई लेते हैं ना यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई लिया है, तो जो निमरेटर और डिनमरेटर है मतलब जो ऊपर की वैल्यू है नीचे वैल्यू वो नीचे का ऊपर हो जाएगा ठीक है ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एफ जीरो डिवाइडेड बाय पी एफ वन तो आप ये फार्मूला देखो और ये फार्मूला देखो तो सिमिलर है सिर्फ क्या किया है उसने कि होम कंट्री का पहले लिख दिया बाद में फॉरेन कंट्री का लिखा इसने पहले फॉरेन कंट्री का लिख दिया बाद में होम कंट्री का लिखा ठीक है तो ये फार्मूला है इस फार्मूले के हिसाब से ये एग्जाम्पल दिया है अब ये एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ठीक है यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए जैसे देखिए आर वन अब ये आर जीरो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आर जीरो का वैल्यू क्या है फिफ्टी है ऐसे हम लोग मान लेते हैं एक्सचेंज रेट है हम लोग ने जो ऊपर मालूम किया था ठीक है फिफ्टी है मल्टीफिकेशन पी एच वन की वैल्यू कितनी है वन एटी है हम लोग वन एटी लिख देते हैं डिवाइडेड बाय डोमेस्ट और यहाँ पे क्या है कि भाई जो ओल्ड एक्सचेंज रेट है वो क्या है हंड्रेड है ठीक है इन टू पी एफ जीरो की वैल्यू कितनी है हंड्रेड है लिख दो हंड्रेड कोई दिक्कत की बात नहीं है पी एफ वन कितना वन ट्वेंटी है ठीक है ये एक जीरो एक जीरो कैंसिल हो गया मल्टीफिकेशन है तो डायरेक्ट क्या होता है कट होता है ठीक है तो हंड्रेड हंड्रेड कैंसिल हुआ एक जीरो एक जीरो, जीरो यहाँ से कम हुआ अब वैल्यू हमारे पास क्या बचा फिफ्टी बचा इसका तो कुछ नहीं है इन मल्टीप्लाई अब इसको सॉल्व किया तो क्या बचा अठारह डिवाइडेड बाई एटीन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व बचा है सर इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिफ्टी इन टू अगर यहाँ पे हम लोग कट करते हैं तो कितना हो जाएगा टू से अगर हम लोग कट करते हैं लेट सिक्स या तो थ्री से कट करते कट करते हैं थ्री फोरजा ट्वेल्व तीन चौके बारह ठीक है और तीन छंग अट्ठारह थ्री सिक्स का कितना हो जाएगा एटीन हो जाएगा राइट दो छंग बारह तीन तीन चौके बारह चार 12, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा चटरा तो ये कितना हो गया सिक्स डिवाइडेड बाय फोर मैं उर्दू मीडियम हिंदी उर्दू मीडियम से था इसके लिए मैं ऐसी कट करता था दो छंग बारह दो कितना हो गया तीन चौके बारह तीन छंग अट्ठारह मतलब टू टू फोर सा ट्वेल्व और फिर थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व और फिर थ्री सिक्स ज़ा एटीन ठीक है अब इसको और मैं सिम्प्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू ज़ा फोर तो इसको फिफ्टी को वैसे ही रखता हूँ मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करूँगा क्या हुआ थ्री डिवाइडेड बाय टू हुआ अब इसको और मैं सॉल्व करूँगा क्या हो जाएगा फिफ्टी इन टू थ्री का डिवाइडेड बाय टू मतलब वन पॉइंट क्या हो जाएगा फाइव आ जाएगा ठीक है कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है वन पॉइंट फाइव होगा अब इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा फिफ्टीन को अगर जैसे मान ली फिफ्टी को वन पॉइंट फाइव में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कैसे कैलकुलेशन होता है ये पॉइंट को थोड़ी वक्त के लिए मैं भूल जाता हूँ और डायरेक्टली फिफ्टीन को फाइव टाइम्स पढ़ता हूँ तो कितना होगा सेवेंटी फाइव होगा और उसके बाद यहाँ पे जीरो था और जीरो लिख दिया अब मैं सोचता हूँ कि एक पॉइंट के बाद पॉइंट था तो मैं क्या किया एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया तो मेरा एक्सचेंज रेट क्या हो गया सेवेंटी फाइव हो गया ठीक है तो ये न्यू एक्सचेंज रेट क्या होगा सेवेंटी फाइव होगा तो इस तरीके से आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इंट्रोडक्शन उसके बाद रिलेटिव तरीका लिखने के बाद फिर उसके बाद क्या कर सकते हो जैसे ये आपने रिलेटिव वर्जन लिखा ठीक है फिर उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल्स फार्मूला लिखा फार्मूला लिखने के बाद ये सॉल्यूशन लिखो फिर उसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे ठीक है ये वाले टाइप के तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे सॉल्व कर लिया है कि ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से अभी ये जो ये वाला फार्मूला है इसके हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है लेट अज्यूम दैट इंडिया और यूएस का एक्सचेंज रेट के बारे में बता रहा है वन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंस आगे बेस ईयर बेस ईयर मतलब ओल्ड एक्सचेंज रेट मतलब जीरो पी ज़ीरो सॉरी पी एच जीरो और पी एफ जीरो बोथ कंट्री का क्या है हंड्रेड है मतलब यहाँ से क्या हुआ बेस ईयर का जैसे अभी ये डोमेस्टिक का ये बेस ईयर और ये बेस ईयर दोनों का क्या होगा हंड्रेड होगा ठीक है नाउ सपोज लेटर द पीरियड एक्सचेंज रेट इन इंडिया इज गोज अप टू थ्री हंड्रेड मतलब इंडिया का जो है ठीक है वो क्या हो गया थ्री हंड्रेड हो गया मतलब डोमेस्टिक का करंट प्राइस क्या हो गया थ्री हंड्रेड हो गया यू का कितना हो गया ये वन फिफ्टी हो गया ठीक है अब इसके हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे फॉरिन एक्सचेंज का करंट प्राइस क्या है यहाँ पे वन फिफ्टी है दिस वन इज पी एफ वन ठीक है ये पी एफ वन है करंट एक्सचेंज रेट तो यहाँ पे वन फिफ्टी लिख दिया है बेस ईयर का कितना हंड्रेड और लिख दिया है डोमेस्टिक का बेस ईयर का प्राइस कितना अगेन दोनों का हंड्रेड था सेम लिख दिया है और करंट ईयर का प्राइस कितना है ये थ्री हंड्रेड चेंज हुआ है तो थ्री हंड्रेड लिख दिया इसको सॉल्व कैसे किया है देखो आर वन इज इक्वल टू ट्वेंटी क्योंकि ये ट्वेंटी सेंस यहाँ पे पहले से बताया इसने ठीक है ओल्ड एक्सचेंज रेट जो था वो ट्वेंटी था वन रुपीज़ल इज ईक्ल टू ट्वेंटी सेंस फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इमल्टीफिकेशन है वन फिफ्टी जो है और यहाँ पे हंड्रेड है ये हंड्रेड हंड्रेड डायरेक्टली कैंसिल कर दो ठीक है कितना बचेगा और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर दो तो कितना बचेगा फिफ्टीन डिवाइडेड बाय थर्टी ठीक है अब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे फिफ्टीन वन सा फिफ्टीन 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 टू ज थर्टी तो क्या वन अपॉन टू हुआ तो क्या होगा यहाँ पे ट्वेंटी इंटू वन अपॉन टू मतलब इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू ज़ीरो पॉइंट फाइव तो क्या हो गया दस हो जाएगा तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा दस टेन सेंट हो जाएगा वन रुपी इज इक्वल टू टेन सेंट ये एक एक्सचेंज रेट है तो आप कोई भी एग्जांपल ये वाला लिखो या फिर ये वाला एग्जाम्पल्स आप लिखो ये आपके ऊपर डिपेंड है सो आई एम श्योर आपको समझा होगा हम लोग ने एब्सोल्यूट वर्जन का क्रिटिसिजम डिस्कस किया है तो आपका होमवर्क है कि जो रिलेटिव वर्जन का है उसके जो क्रिटिसिज्म है वो आप जो रिलेटिव थेरी के क्रिटिसिज्म है वो आप डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट में मेंशन करो जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है ना ये शॉर्ट में ऐसे क्या करो कमेंट में मेंशन करो ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में